जय हिंद बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल द एसआर एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। जैक ने सबसे बड़ा बदलाव कर दिया है। अब आप लोग का एग्ज़ाम जो है वो ओएमआर सीट पर नहीं होगा। अब एग्ज़ाम जो पैटर्न है वो पूरी तरह से बदल दिया गया है। इसका ऑफिशियल न्यूज़ जो है वो आ चुका है जैक की तरफ से। चलिए देखते हैं न्यूज़ क्या है। देखिए सबसे फर्स्ट लाइन में आप देखिएगा इधर, तो इसमें लिखा हुआ है कि जैक की मैट्रिक इंटर की जो परीक्षा में बदलाव, ऑब्जेक्टिव कम और सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे ज़्यादा। देखिए अब क्या लिखा है कि ओएमआर सीट नहीं, उत्तर पुस्तिका पर ही होगी मैट्रिक इंटर की परीक्षा। यानी कि जो आप लोग का जो एग्ज़ाम है उसे बदल दिया गया है। अब एमसीक्यू जो पूछा जाता था 40 नंबर का, वो अब कर दिया जाएगा 30 नंबर का। और बाकी जो सारी चीज़ें पूछी जाती थी ज़्यादा अधिक नंबर करते हुए, जैसे कि 30 नंबर का आप लोग का ये सीट जो है वो पूछा जाएगा, और बाकी जो पूछा जाता था पहले 40 नंबर का उसको चेंज कर दिया गया है। पहले जो जो था इसका लेकर बात चल रहा था, लेकिन अभी जो ये चीज़ का कर दिया गया इसको कंफर्म बता दिया गया है। और ये जो है अभी के लिए नहीं, बदलाव जो हुआ है ये आने वाले 2024 का एग्ज़ाम और जो 25 का एग्ज़ाम है वो दोनों के बदलावों को लेकर बताया गया है कि किस तरह का एग्ज़ाम होगा। अब जो एग्ज़ाम होने वाला है वो एग्ज़ाम एमसीक्यू पर नहीं होगा, यानी कि ओएमआर सीट पर एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। अब एक उत्तर पुस्तिका ही दी जाएगी जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों लिखा रहेगा। तो 2024 के लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न रखा गया है वो 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव रखा गया है, और बाकी जो है 50 नंबर का सब्जेक्टिव रखा गया है, और 20 नंबर जो नंबर है वो आपका आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर रखा गया है। चलिए पूरा न्यूज़ सुन लेते हैं क्या बोला गया है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि ओएमआर सीट पर नहीं होगी परीक्षा, उत्तर पुस्तिका पर ही दिया जाएगा इंटर और मैट्रिक की परीक्षा। लिखा हुआ स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने मैट्रिक और इंटर की जो परीक्षा जो 2024 और 2025 में होने वाली है, परीक्षा जो में बड़ा बदलाव किया गया है। मैट्रिक और जो इंटर की जो दिया जाता था पेपर, जिसमें देखिए परीक्षा ओएमआर सीट और उत्तर पुस्तिका पर अलग अलग नहीं होगा, बल्कि ये दोनों परीक्षाएं जो है सिर्फ उत्तर पुस्तिका पर ही ली जाएगी। ऑब्जेक्टिव सवाल के उत्तर भी छात्र छात्राओं को उत्तर पुस्तिका पर ही लिखने होंगे। राज्य सरकार ने मैट्रिक व इंटर की परीक्षा जाने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के अंक और सवालों की संख्या की कटौती कर दी है, जबकि सब्जेक्टिव प्रश्नों के अंकों व प्रश्नों की संख्या जो है वो बढ़ा दी गई है। देखिए पहले जो 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव रखा गया था, अब इसको बढ़ा दिया गया और 50 नंबर कर दिया गया है। अब जाहिर सी बात है पैटर्न भी बदलेगा, नया पैटर्न के हिसाब से मॉडल पेपर भी जारी किया जाना चाहिए। देखिए इसमें दो बदलाव और भी है, दो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है। 2024 में जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए यह बदलाव रखा गया है, 30 नंबर और 50 नंबर जो आपका दो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा, या आपका जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का एग्ज़ाम होगा वो दोनों का दोनों जो पेपर है एक ही पेपर यानी उत्तर पुस्तिका में दिया जाएगा, एमसीक्यू का सीट नहीं मिलेगा। और 20 नंबर जो है आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर आपको नंबर मिलेगा, जो कुल मिलाकर जो 100 हो जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि 2024 में जो एग्ज़ाम होगा वो उसको लेकर ये चीज़ें किया जाएगा, जबकि 2025 में क्या किया जाएगा कि 20 नंबर का ही ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और 60 नंबर का सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, और 20 नंबर जो है आपका आंतरिक मूल्यांकन, और इसके लिए भी कोई भी जो है सीट अलग से नहीं दिया जाएगा। इसके लिए क्या है कि एक ही उत्तर पुस्तिका मिलेगी, उसी में आंसर और क्वेश्चन दोनों लिखा हुआ रहेगा, आपको उसमें से टिक करना है जैसे पहले होता था। ये बदलाव दो चीज़ों में किया गया है। बाकी देखिए इसमें और भी चीज़ें लिखा हुआ है कि 2024 में, देखिए इसमें साफ शब्द में लिखा हुआ है 2024 में 50 अंक और अंकों की होगी लिखित परीक्षाएं, 2024 से 50 अंक और 2025 में 60 अंक की होंगी लिखित परीक्षाएं, और 2024 में जो 30 अंकों की और 2025 में 20 अंकों की होगी ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं। अब जाहिर से है कि 2024 में और 2025 में दोनों में थोड़ा थोड़ा बदलाव किया गया है। 24 में जो है आपका 30 नंबर और 50 नंबर का रखा गया है, जबकि 25 में 20 नंबर और 60 नंबर का रखा गया है। अब जाहिर सी बात है कि जैक जो है नया आपको सीट जारी करवाएगा, जैक नए पैटर्न पर जारी करेगा मॉडल प्रश्न। देखिए यहाँ पे लिखा है कि जैक परीक्षा पैटर्न में हो रहे बदलाव के आधार पर मॉडल प्रश्न पत्र और उसमें उत्तर जारी करेगा। अगले महीने में मॉडल जो प्रश्न पत्र है वो जारी होंगे, तो विद्यार्थी जो है उन्हीं के हिसाब से अपना तैयारी करेंगे।
जैक जैसे ही ये अपना मॉडल पेपर वो जारी करवाएगा, उस तरह से हम लोग उसका सारा सॉल्यूशन करवा देंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इसमें आपका दो बदलाव मेन है। अब आप मान लीजिए कि मान क्या लीजिए, आप श्योर हो जाइए कि अब आप लोग के लिए एमसीक्यू जो मिलता था टिक करने के लिए, वो एमसीक्यू अलग से नहीं मिलेगा, एक ही बुकलेट दिया जाएगा उत्तर प्रश्न जो लिखने के लिए मिलेगा, और उसी में 30 सवाल जो है आप लोग का ऑब्जेक्टिव में रहेगा और 50 सवाल जो है आपका सब्जेक्टिव में रहेगा, और ये कुल मिलाकर इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 80 नंबर का होगा, और आपके स्कूल में तरफ से जो आंतरिक मूल्यांकन है उसके आधार पर नंबर दिया जाएगा, जो कि 2024 में होगा। जबकि 2025 में क्या होने वाला है कि 20 नंबर रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव में और 60 नंबर रहेगा सब्जेक्टिव में, और आपका आंतरिक मूल्यांकन के तौर पर जो है 20 नंबर यहाँ से दिया जाएगा। अब बात आता है कि सर अभी जो है क्वेश्चन पैटर्न तो आ चुका, एग्जाम का पैटर्न भी दे दिया गया था, तो बाबू देखो एग्जाम के पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाएगा, जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के लिए अलग अलग टाइमिंग दिया गया था वो अब अलग अलग टाइमिंग नहीं दिया जाएगा, बल्कि एक ही टाइम पे जो आपका 10 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट होना था वो 10 बजे स्टार्ट होगा और 1 बजे एग्ज़ाम आपका ख़त्म हो जाएगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों रहेगा, एक ही पेपर में मिल जाएगा। तो इसलिए आप लोग जो एग्ज़ाम का तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, जैसे ही मॉडल प्रश्न पत्र आएंगे तो हमारे चैनल के द्वारा सारे का सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। थैंक यू, ये गवर्नमेंट की तरफ से न्यूज़ आया हुआ था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसे ही मॉडल पेपर आएगा वो सारा मॉडल पेपर की तैयारी जो हम लोग करवा दिया जाएगा, और वैसे भी मॉडल पेपर नहीं आता है तो हमारी टीम जो है पूरी तरह से आप लोग की तैयारी में लगी हुई है। थैंक यू, जय हिंद।